अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सारे वीरां दा की हाल चाल आ। साढ़े फार्म ते इस सूए दे विच जिहड़ा 2023 दा सीजन आ इहदे विच अजे तक एक गां दी काविंग हुई आ जिहने फीमेल काफ दित्ती आ, तुहानूं मैं ओह वी दिखाना। तो अज माशाला एक गां दी होर काविंग हो रही है, पिछे बैठने की कोशिश कर रही है, जगह मतलब अपनी तलाश कर रही है। तो उस तो बाद इंशाला गावं होर भी हैं प्रैगनेंट, जिदा जिदा हम उन्होंने टाइम आएगा उन्होंने काविंग होएगी। तो मैं तुम्हें दिखावगा वो भी सारिया कि असी कि उन्होंने एक्सल सीमेंट रखे से या नॉर्मल सीमेंट रखे ने, किस सीमेंट दिया बच्चिया या बच्चे पैदा होंगे ने, तो मैं सारे डिटेल में मतलब दसागा उन्होंने बारे। तो फिलहाल साड़ी उस गांव की काविंग हो रही है, अल्लाह ताला खैर करे इंशाला ये सही सलामत की काविंग हो जाए। तो मैं दिखाना कि वो की फीमेल दी या मेल दी है, क्योंकि जी पिछे अपनी गां की काविंग हुई सी वो रात टाइम हुई सी, लेकिन उन्हें एक मसला बन गया सी, उसका जो बच्चा बिच उल्टा हो गया सी। तो फिर डॉक्टर्स नूं असीं सद के उसकी काविंग करवाई, तो उन्हें माशाला फीमेल काफ दी सी। तो अल्लाह ताला दा ये करम है कि सही सलामत उसकी काविंग हो गई सी, कोई मसला नहीं बनया। तो देखना यह भी हों कि हैल्प भी करनी पेगी थोड़ी बहुत, तो जे हैल्प की जरूरत हुई तो यदि हैल्प भी जरूर करेंगे आप। तो इस गां की काविंग हुई सी पिछले दिनों के खड़ी है, गां नंबर हैगा इहदा 12। तो माशाला इन्हें फीमेल काफ दित्ती सी, ते क्योंकि इन्हें सैक्सड सीमन असी रखिया सी, तो सैक्सड सीमन की इन्हें माशाला ही फर पैदा की। सी आर आई का थैथरा बुल सी, माशाला बहुत अच्छी बच्छी पैदा हुई। तो माशाला वैसे भी गां भी अपनी ये नस्ली आ, क्योंकि अपने को ही इतने फार्म से तैयार हुई सी। तो माशाला पीक तो जोड़ा यदा दुध आ 28 लीटर तक चला जाता, तो क्योंकि क्रॉस ब्रीड है ना, तो क्योंकि एक जोड़ा 28 लीटर भी बहुत माशाला एक अच्छा दुध वा। उदा तो गाव 40 लीटर तक भी दिदिया ने, 40 तो उपर भी दिदिया ने, लेकिन यदि रीज़न ये कि अपने को जी यदि माँ से 16 से 18 लीटर दुध दी सी, आप सैक्सड सीमर रखिया, ये गां अगे पैदा हुई तो माशाला इन्हें 28 लीटर दिता। ये साढ़े को एक इतने बच्छी पैदा हुई साढ़े फार्म से, उन्हें जी ये पहले सूए की बच्ची सी उन्हें जनावे वाली माशाला 31 लीटर दुध दिता सी। तो क्योंकि जिन्या ये गाव माशाला पैदा हो रही वा वो अच्छी अगे बन रही ने। तो यह हम तीसरा सूआ सूई आ, तो इस दफ़ा भी इन्हें फीमेल काफ दी। असं हर बार सैक्सड सीमन ही रखते हैं, तो तीन दफ़ा इन्हें सैक्सड सीमन लगा, तिना दफ़ा इन्होंने इन्हें कच्छी पैदा की है तीन दफ़ा। तो इदा का गाव जी इदा दावं होंदिया ने उन्हों का फार्म से फायदा होंगे वा, क्योंकि एक तो अच्छी ब्रीड पैदा होंगी आ, दूसरा ब्रीडिंग इजाफा कर दया ने। तो जड़िया गाव मतलब कि हौलिया होंगे ने दुध वालों या फिर प्रैगनेंट नहीं होंगे रिपीट होंगे ने बार बार, असी उन्होंने गावों सेल कर देता वा। तो लेकिन जी चंगी गाव होंदिया वो रख लीदियाँ, क्योंकि आप पता ही आ 10-12 गाव रखी दियाँ, लेकिन चंगी रखी दियाँ हर साल 3-4 गाव सेल कर दी दियाँ, तो माशाला उधर पिछू बच्चिया रल जाएं ने होर, तो जिहदा आपां नूं बहुत बड़ा फायदा हुंदा वा। तो लेकिन गर्मी में थोड़ा जिहा हुंदा प्रॉब्लम, तो क्योंकि गर्मी ज़्यादा ही फील कर दियां ने, तो इसलिए फिर असी शावर वो सामने पखा वो लगाया हुआ वा, जिस दिन ज़्यादा गर्मी होवे तो पखा तो शावर चला दीदा वा, तो जिहदा बड़ा आपां नूं फायदा वा। तो फिर गावं जिहड़ियां वो सुकून च रहिंदियां ने। तो गर्मी के जिहड़े हुंदे 2-3 महीने यही मुश्किल हुंदे ने, जिदा हुण सितंबर मतलब स्टार्ट हो रहा वा, वैसे ही सितंबर की 15 तरीक तो बाद मौसम माशाला बहुत अच्छा हो जाना वा, फिर इन्हों पखे की लड़ या शावर की लड़ नहीं रहनी। तो बहुत ज़्यादा फिर मतलब कि आम मतलब के मौसम जून फील कर दया ने। तो फिर माशाला दुध भी ज़्यादा दिदिया ने उस टाइम, तो और इन्ह की मतलब जो सेहत वा वो भी ठीक रहती है। गर्मी में थोड़ी जी ये वीक हो जाए गर्मी की वजह न, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपन इस काम को हम समझते हैं, तो इसलिए आप आसानी हम मैनेज कर लें, क्योंकि 4-5 साल हो गए अपन इस काम के, तो अल्लाह का शुक्र आप सारे काम को हम समझते हैं। तो क्योंकि अपने को सारिया है क्रॉस ब्रीड, लेकिन इन्हों भी पक्षियों की जरूरत होंगी या पानी शावर की भी जरूरत होंगी है, क्योंकि कम से कम हूँ इन्हों 90% प्योरिटी आ गई है, और 10% असं कह लें इन लोकल होएगा, मतलब कि जेडे इन ब्रीड जी लोकल होएगी। तो
तो इसलिए ये ज़्यादा थोड़ा जहा मतलब कि जोड़ा है इस माहौल एडजस्ट हो जाए वा जड़ियाँ ज़्यादा मतलब कि प्योर ब्रीड आ जिदा बहरू लोग इंपोर्ट करते हैं वो ज़्यादा थोड़ी मुश्किल इस माहौल एडजस्ट होंगी आ तो नुकसान भी करती है इसलिए असं इन ज़्यादा तरजीह दें क्योंकि इस माहौल एडजस्ट हो जाती है। तो गां बैठी हूँ काविंग वास्ते तो टाइम हो गया तकरीबन 7 बज गए ने तो मैं यदि हूँ काविंग करावगा पहले क्योंकि इन हैल्प की जरूरत आ तो मैं यदि हैल्प कराँगा उस तो बाद मैं दिखाना कि इन्हें की दिता बच्छी दी या बच्छा दिता। गां की माशाल्लाह आप काविंग करा दी है क्योंकि बच्चा मैं आप खिंच के बाहर कढ़िया तो गां की हैल्प की है तो माशाल्लाह फीमेल बच्छी पैदा हुई है तो क्योंकि मेरा जोर लगा थोड़ा जहा इसलिए थोड़ा जहा मेरी आवाज़ भी चेंज हो गई। तो ये हैगी है सैक्सड सीमन की भी बच्ची ये सी आर आई का सीमन है भी लेकिन बोल मैं हजे याद नहीं है उत्थे कापी तो लिखा हुआ तो माशाल्लाह बिल्कुल माँ जैसी है माँ तो गई है उस तरह की बिल्कुल माशाल्लाह है फीमेल काफ तो इनू आप थोड़ी देर बाद नीचे गां ते बोली पिलावांगे जदों थोड़ी जी खड़ी हो गई चलन लग पी तकरीबन एक घंटे बाद उस तो बाद आप बच्चे लादा कर देंगे गां आपे इधर फिरती रहेगी बच्ची।